أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم. سورہ رعد ترجمہ تفسیر پانچواں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. और बेशक तुमसे अगले रसूलों से भी हंसी की गई तो मैंने काफिरों को कुछ दिनों ढील दी फिर उन्हें पकड़ा और दुनिया में उन्हें कहत व कत्ल व कैद में जकड़ा और आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अजाब है. तो मेरा अजब कैसा था. तो क्या वह हर जान पर उसके कर्मों की निगहदाश्त रखता है, नेक की भी बद की भी, यानी क्या अल्लाह ताला उन बुतों के जैसा हो सकता है जो ऐसे नहीं, न उन्हें इल्म है न कुदरत, आजिज मजबूर और बेशऊर हैं और वो अल्लाह के शरीक ठहराते हैं. तुम फरमाओ उनका नाम तो लो, वो है कौन, या उसे वह बताते हो जो उसके इल्म में सारी जमीन में नहीं और जो उसके इल्म में न हो वह निरा झूठ और बातिल है, हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है, लिहाजा उसके लिए शरीक होना बातिल और गलत है. या यूं ही ऊपरी बात,
के दर पे होते हो जिसकी कुछ असल और हकीकत नहीं, बल्कि काफिरों की निगाह में उनका धोखा अच्छा ठहरा है और राह से रोके गए यानी हिदायत और दीन की राह से, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। उन्हें दुनिया के जीते अजाब होगा कत्ल और कैद का, और बेशक आखिरत का अजाब सबसे सख्त है और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं। अहवाल उस जन्नत का की डर वालों के जिसका वादा है, उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके मेवे हमेशा और उसका साया यानी उसके मेवे और उसका साया हमेशा का है, उसमें से कोई टूटने कटने और खत्म होने वाला नहीं। जन्नत का हाल अजीब है, उसमें न सूरज है न चांद न अंधेरा है, बावजूद कभी न दूर होने वाला साया है। डर वालों का तो यह अंजाम है यानी तकवा वालों के लिए जन्नत है, और काफिरों का अंजाम आग, और जिनको हमने किताब दी यानी वह यहूदी व ईसाई जो इस्लाम लाए जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह और हबशा और नजरान के ईसाई, वो उस पर खुश होते जो तुम्हारी तरफ उतरा, और उन गिरोहों में यहूदियों ईसाइयों और मशरिकों के जो आपकी दुश्मनी में डूबे हैं और उन्होंने खुद ही चढ़ाइयां की है। कुछ वो है कि उसके पास कुछ थोड़े से इनकारी हैं, तुम फरमाओ मुझे तो यही हुक्म है कि अल्लाह की बंदगी करूं और उसका शरीक न ठहराऊं, मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे फिरना, इसमें क्या बात इनकार के काबिल है, क्यों नहीं मानते। और इसी तरह हमने उसे अरबी फैसला उतारा यानी जिस तरह पहले नबियों को उनकी जबानों में अहकाम दिए गए थे, उसी तरह हमने यह कुरान ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अरबी जबान में उतारा। कुरान करीम को हुक्म फैसला इसलिए फरमाया कि इसमें अल्लाह की इबादत और उसके तौहीद और दीन की तरफ दावत और तमाम तकलीफों और अहकाम और हलाल और हराम का बयान है। कुछ उलमा ने फरमाया चूंकि अल्लाह ताला ने तम्मा खल्क पर कुरान शरीफ को कबूल करने और उसके मुताबिक अमल करने का हुक्म फरमाया इसलिए इसका नाम हुक्म रखा, और ऐ सुनने वाले अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चलेगा यानी काफिरों को जो अपने दीन की तरफ बुलाते हैं, बाद इसके कि तुझे इल्म आ चुका तो अल्लाह के आगे न तेरा कोई हिमायती होगा न बचाने वाला। अल्लाह अज्जब जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।